हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश सजेशन में। आपका आधार कार्ड में कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक होगा या तो नहीं लिंक होगा, यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट होता है। पहले हम बात करते हैं कि आपका आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर लिंक है, लेकिन जो नंबर लिंक है वो खो गया है या तो वो बंद हो गया है सिम, तो उसमें दूसरा नंबर कैसे लिंक करना है। और दूसरा सिचुएशन है कि आपका आधार कार्ड बहुत पहले का बना हुआ है, उस समय आप उसमें कोई सा भी मोबाइल नंबर नहीं दिए हैं, तो अब उसमें नया नंबर को कैसे लिंक करना है, कैसे जोड़ना है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आज हम इसी सब प्रॉब्लम का हल लेकर आए हैं कि आपका आधार कार्ड ने जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो बंद हो गया है, खो गया है, या तो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है ही नहीं, अब उस आधार कार्ड में नया नंबर कैसे जुड़वाना है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, और ये जो हम प्रोसेस बता रहे हैं यही एकमात्र प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं, और दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करना है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर। तो आपको कोई सा भी सर्च ब्राउजर में आ जाना है, और सर्च बार में आपको टाइप करना है माई आधार। माई आधार जब टाइप कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुल के आएगा। आपको इसमें सबसे नीचे आना होगा। नीचे आइएगा तो देखिएगा एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, बुक ऑन अपार्टमेंट। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट सिटी लोकेशन पर सेलेक्ट करना होगा। आपका जो भी शहर है, नज़दीकी शहर, यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। हम यहाँ से पटना सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो वहाँ का नज़दीकी शहर है वहाँ का आप सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आपका अगर सिटी में नहीं दिख रहा है तो नज़दीकी सेवा केंद्र के लिए आप यहाँ से प्रोसीड टू बुक अपार्टमेंट नीचे वाला पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका यहाँ से भी अपार्टमेंट बुक हो जाएगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। अभी हम सिटी सेलेक्ट करके आगे करते हैं, प्रोसीड टू बुक अपार्टमेंट पर क्लिक। आगे आपसे तीन ऑप्शन आएगा, अपडेट आधार, न्यू आधार और मैनेज अपार्टमेंट। आपको अपडेट आधार पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर को टाइप कर देना है और नीचे में कैप्चा भर देना है। यहाँ पर आप उस मोबाइल को टाइप करेंगे जिस मोबाइल को आप आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद आगे आपको करना है जनरेट ओटीपी पर क्लिक। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ लिखना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है और नीचे नाम डालना है। यहाँ से आधार नंबर और नाम को भर देना है। अब आगे वेरिफिकेशन टाइप में डॉक्यूमेंट रहने देना है। यहाँ से राज्य को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिटी को सेलेक्ट करेंगे, और फिर आधार सेवा केंद्र को सेलेक्ट करेंगे और आगे करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक। आगे ऑप्शन खुलेगा कि आप इसमें से क्या चीज़ अपडेट करना चाहते हैं, और यहाँ पर आपका फीस भी दिखाई देगा। तो जिस आइकन पर आप टिक कीजिएगा उस आइकन को आप अपडेट कर पाइएगा। तो यहाँ से हम मोबाइल नंबर पर टिक कर देते हैं, न्यू मोबाइल नंबर। यहाँ देखिए हमसे ₹50 चार्ज लिया जाएगा। मोबाइल नंबर नीचे दिखा दिया गया है कि आपका ये मोबाइल नंबर लिंक होगा। अगर इसको आप एडिट करना चाहते हैं, दूसरा मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, तो यहाँ से एडिट पर क्लिक करके दूसरा मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं। उसके बाद आगे आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक। अपॉइंटमेंट के लिए डेट और टाइम खुल के आ जाएगा। आपको जिस दिन अपॉइंटमेंट बुक करना है आप उस पर क्लिक करेंगे, और जिस टाइम को आप जाएंगे वहाँ पर वो अपना टाइम को सेलेक्ट करेंगे और आगे करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक। फिर आपको अपना डिटेल को वेरीफाई कर लेना है और आगे फिर करना है सबमिट पर क्लिक। फिर इस तरह का एक पॉपअप आएगा, आपको करना है ओके पर क्लिक। उसके बाद आपसे ₹50 का पेमेंट लिया जाएगा। आप इसको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और आपका एक अपार्टमेंट जनरेट हो जाएगा। उस अपार्टमेंट को लेकर आप आधार सेंटर में जाइएगा, आपका जो है आधार नंबर में मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। अपार्टमेंट लेटर को लेकर आप जिस डेट को बुक किए हैं, जिस सेंटर पर बुक किए हैं, आपको उसी डेट को उसी टाइम में आपको जाना है, और वहाँ 10 से 5 मिनट टाइम लगेगा, आपका नंबर लिंक कर दिया जाएगा, और 7 से 8 दिन में आपका आधार कार्ड में भी अपडेट हो जाएगा, वो नंबर चढ़ जाएगा। अब बात करते हैं जो अपार्टमेंट बुक करना नहीं चाहते हैं उसके लिए क्या करें। जो अपार्टमेंट बुक नहीं करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट आप नज़दीकी आधार सेंटर में जाएं
और वहाँ पर डायरेक्ट जाके बोले कि मेरा जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या तो जो नंबर लिंक था वो खो गया है, हमको अब नया नंबर जुड़वाना है, तो हमको नंबर जोड़ दीजिए। अपार्टमेंट जो आप बुक करके ले जाते हैं तो वो बुक नहीं करना पड़ेगा, वो खुद जो है अपार्टमेंट बुक करके आपका आधार कार्ड में नंबर अपडेट कर देगा और 7 से 8 दिन में नंबर अपडेट भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।